इस समय मार्केट में पके आम बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और कुछ दिनों में आम का मौसम चला जाएगा। तो चलिए आम, पके आम से हम एक अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है और बहुत झटपट बन जाता है और बहुत स्पॉन्जी रहता है ये, सॉफ्ट बिल्कुल। इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं है, हमारे घर में जो सामान रहता है उसी से बन जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ली है, एक इनो का पाउच, थोड़ा सा आधा कप दूध और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और दो आम का मैंने यहाँ पे पल्प पीस लिया था मिक्सी में। कोशिश करें कि आम ऐसा रहे जिसमें रेशे ना हो, उससे ये नाश्ता बहुत ही अच्छा बनेगा। इसके बाद एक बड़े कटोरे में हम सूजी को डाल लेंगे। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, बारीक वाली या मोटी, क्योंकि वो हमें फुला के रखनी है। इस नाश्ते को हम फुला के बनाएँगे। यहाँ पर मैंने 5 से 6 चम्मच दूध डाल लिया है। इस नाश्ते को आप दूध में ही बनाइए, इससे बहुत ही अच्छा बनता है ये। आप चाहें तो पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध से ज़्यादा ही टेस्टी बनेगा। और उसी के साथ मैंगो पल्प डाल दिया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आम को पीसा है, इसके साथ कोई शक्कर वगैरह यूज़ नहीं की है। आप अगर चाहें तो शुरू में शक्कर भी आम के साथ पी सकते हैं, मैंने शक्कर अलग से इसमें ऐड की है। और कोई फूड कलर वगैरह यूज़ नहीं किया है इसमें, ये मैंगो का ओरिजिनल कलर है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा येलो कलर आया है। और उसके बाद हम पल्प को और सूजी को अच्छे से मिक्स करेंगे। जितना अच्छा फेटेंगे आप, नाश्ता हमारा उतना अच्छा बनेगा, जालीदार। इसमें मिठास के लिए मैंने शक्कर यूज़ की है। यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच शक्कर यूज़ की है। शक्कर को भी हम इसमें डालकर और अच्छे से फेंट लेंगे। सूजी के बैटर के साथ शक्कर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। शक्कर को घुलने में टाइम लगेगा और सूजी को फूलने में टाइम लगता है, तो इसको हम इस तरह से अच्छे से मिला देंगे पहले, और 10 से 15 मिनट इसको ढककर इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। बैटर बस हमें इसी तरह से चाहिए, गाढ़ा ही चाहिए, बहुत पतला बैटर नहीं चाहिए। 15 मिनट बाद ढक्कन हटाने के बाद देखा है तो शक्कर अच्छे से घुल गई है इसमें। एक बार हम इसको और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं बैटर हमारा कितना अच्छा फूल गया है और बिल्कुल परफेक्ट है, ना गाढ़ा ना पतला। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक इलायची, थोड़ी सी बादाम की कतरन और थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया था, उसको भी डाल लेंगे। और साथ ही एक इनो का सैशे पूरा यूज़ कर लिया है। और इनो डालने के बाद इसको हम लगातार 2 मिनट तक और फेंटेंगे, इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। बस बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है बनाने के लिए। जब तक मैंने गैस के ऊपर अप्पे पैन रख दिया था धीमी आंच पर, अप्पे पैन अच्छे से गर्म हो गया है। इसके बाद इस नाश्ते को मैंने घी में बनाया। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। घी डालकर हम चारों तरफ इसको अच्छे से फैला देंगे और एक एक चम्मच इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएंगे। इस तरह सारे खंदों में हम बैटर भर लेंगे और थोड़ा ही डालेंगे शुरू में, क्योंकि ये स्टीम होने के बाद में फूल जाता है, डबल हो जाते हैं बिल्कुल। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा ही इसमें डाल रही हूँ बैटर। और इसके बाद इसको हम ढककर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से धीमी आंच पर पकने देंगे। 3 से 4 मिनट बाद ढक्कन हटाकर हम देखेंगे अप्पे अच्छे से फूल गए हैं और उसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा ऑयल दूसरी साइड भी लगा देंगे, क्योंकि इसको हमें अभी टर्न करना है, इसको हम पलट देंगे। अब बस एक एक साइड से हम इनको पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक जाए। और 3 से 4 मिनट तक इनको हम दूसरी साइड से भी अच्छे से पकाएंगे। 3 से 4 मिनट में ये आप देख लें, बीच बीच में चेक कर लें, अच्छे से पक गए हैं ये। तो बस इन गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको हम निकाल लेंगे। अगर कोई अप्पे साइड का नहीं पका है तो उसको आप बीच में कर सकते हैं और बीच वाले को साइड में कर दें, क्योंकि गैस की आँच बराबर नहीं लग पाती है। बीच में ज़्यादा आँच लग जाती है और साइड में थोड़ी सी कम लगती है, इस बात का ध्यान रखें। और इस तरह से हमने एक बैच निकाल लिया है और इसमें से 2 अप्पे थोड़े से मुझे सॉफ्ट लग रहे थे तो मैंने उनको दोबारा से पका लिया है। और फिर हम इसी तरह से बाकी के अप्पे भी बना लेंगे बिल्कुल पहले जैसे। थोड़ा सा घी डाल देंगे और बाकी का बैटर जो बचा है उसको भी डाल देंगे इसमें, और उसको भी 3 से 4 मिनट तक एक साइड, फिर 3 से 4 मिनट दूसरी साइड बस पका कर धीमी आँच पर। और बस थोड़ी ही देर में हमने सारे अप्पे तैयार कर लिए हैं बना के। ये बहुत ही अच्छा नाश्ता है और इसमें आपको गुलगुला का और सूजी रवा केक का टेस्ट आएगा, बिल्कुल मैंगो वाला बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें। और पके हुए आम से कितना अच्छा कलर आया इस नाश्ते का आप देख सकते हैं, और बहुत स्पंजी बना था। यहाँ पे मैं आपको एक खोल के भी दिखा रही हूँ, अंदर तक बिल्कुल कच्चा नहीं है ये, अंदर तक पक गया और बहुत अच्छा जालीदार नाश्ता तैयार है। इस आम के मौसम में आप भी एक बार ये नाश्ता ज़रूर बनाकर ट्राई करिए। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिए और आप लोग इन्जॉय करिए।